नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में आवाज उठने लगी है। तालिबान का क्रूर चेहरा जब पुलिस अधिकारी की हत्या के बाद भी गोली बरसाते रहे। तालिबान की मदद करने वाले पाकिस्तान पर कुछ यूं बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिका की क्या नई राष्ट्रपति होंगी कमला हैरिस? और ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली मारिया ने क्यों बेच दिया अपना मेडल? अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जा करने के बाद शुरुआत में लोग डर भले ही रहे थे, लेकिन अब विरोध में आवाजें उठने लगी हैं। तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन अफगानिस्तान के कई शहरों तक फैल चुका है, जिसमें राजधानी काबुल भी शामिल है। लोगों को समझाने के लिए तालिबान ने देश के इमामों की मदद भी ली। उनसे कहा गया कि वो 20 अगस्त की नमाज में लोगों को एकजुट रहने को कहें। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक 19 अगस्त को ही कुनार प्रांत के असदाबाद में तालिबानियों ने विरोध कर रहे कुछ लोगों पर गोलीबारी की, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई। ऐसा वहां मौजूद लोगों का कहना है। हालांकि ये साफ नहीं है कि लोगों की जान गोलीबारी से गई या फिर भगदड़ से। दूसरी तरफ काबुल में भी गोलीबारी की खबरें हैं। कहा जा रहा है कि तालिबानियों ने हवा में गोलियां चलाई थी। बताते चलें कि 19 अगस्त 1919 के ही दिन अफगानिस्तान ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस बार आजादी का जश्न मनाने से पहले ही तालिबान ने वहां कब्जा जमा लिया है। अपनी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अफगानिस्तान के प्रदर्शनकारी लोग काबुल में हमारा झंडा हमारी पहचान के नारे लगा रहे थे। इन लोगों के हाथ में अफगानिस्तान का झंडा था और पुरुषों और महिलाओं ने हाथ में काली पट्टी बांधी हुई थी। कुछ दूसरी जगहों पर भी प्रदर्शनकारियों ने तालिबान का सफेद झंडा फाड़ दिया। खबर के मुताबिक एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि शुरुआत में वो बाहर आने से डर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पड़ोसी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो भी शामिल हो गया। पूर्वी अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो वहां जलालाबाद शहर और पंक्तिया प्रांत के एक जिले में विरोध प्रदर्शन तेज है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान का क्रूर चेहरा हर दिन सामने आ रहा है। ताजा मामला बदगीस प्रांत का है। यहां तालिबानियों ने बदगीस के एक पुलिस प्रमुख हाजी मुल्ला को सरेआम गोलियों से भून डाला। हाजी मुल्ला ने कुछ दिन पहले ही तालिबान के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें तालिबानियों ने हाजी मुल्ला के दोनों हाथ बांधकर घुटनों के बल किसी सुनसान जगह पर बैठा रखा है। उनके हाथ बंधे हुए हैं। तालिबानी स्थानीय भाषा में कुछ बोल रहे हैं। कुछ देर बाद हाजी मुल्ला पर दनादन गोलियां दाग दी जाती हैं। ये वीडियो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है, जिसमें तालिबान ने अफगानी सेना के 4 कमांडरों को कांधार के स्टेडियम में भीड़ के सामने मौत के घाट उतार दिया था। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की मीटिंग में आतंकवाद पर बात की तो पाकिस्तान पर इशारों इशारों पर और कुछ सीधे हमले लेकर नाम लिया और उस पर हमला किया। बातचीत में एस जयशंकर ने मुंबई हमला, पठानकोट, पुलवामा हमले का भी जिक्र किया। एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर पहला हमला बिना नाम लिए किया। उसमें कहा गया कि कुछ देश आतंकवाद के खिलाफ चल रही साझा लड़ाई को कमजोर करने पर या तोड़ना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। ताजा उदाहरण की बात करें तो कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें पता चला है कि तालिबान को पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता है। एस जयशंकर ने कहा कि कुछ देशों में यूएन घोषित आतंकी और आतंकी संगठन खुलेआम काम करते हैं और समर्थन पाते हैं। एस जयशंकर ने अपने संवाद में आईएसआईएस पर भी निशाना साधा और पाकिस्तान का नाम भी लिया। टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट पोलैंड की मारिया आंद्रजेक ने मानवता की मिसाल पेश की है। मेडल जीतने के 2 हफ्ते बाद ही उन्होंने इसे एक 8 महीने के बच्चे की हार्ट सर्जरी के लिए सहायता पहुंचाने के मकसद से नीलाम कर दिया और करीब 92 लाख रुपए जुटाए। पोलैंड के ही मिवाश्क नाम के बच्चे को दिल की बीमारी है, उसे सर्जरी की जल्द से जल्द जरूरत है। यूरोपीय देशों ने उसके इलाज करने से मना कर दिया। अब इस बच्चे के परिवार वाले इलाज के लिए यूएसए जा रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में बच्चे का इलाज होना है। मिवाश्क की जान बचाने के लिए ऑपरेशन किया जाएगा। हालांकि सर्जरी पर काफी खर्च की बात सामने आई है। मिवाश्क के माता पिता इस वजह से ऑनलाइन फंड रेजर चला रहे थे। इस ऑपरेशन के लिए उन्हें 3 करोड़ रुपए की जरूरत थी। आधी राशि जुटा ली गई थी। इसके बाद मारिया भी मदद के लिए सामने आई और उन्होंने अपना मेडल नीलाम करने का ऐलान किया। बताते चले कि नीलामी में पोलैंड की सुपरमार्केट चेन जापका पोल्स्का ने मारिया का मेडल करीब 92 लाख रुपए में खरीद लिया। मेडल खरीदने के बाद जापका ने कहा कि सिल्वर मेडल वो खुद नहीं रखेंगे, उन्होंने इसकी देखरेख की जिम्मेदारी मारिया को ही सौंपी है। कंपनी के इस व्यवहार ने लोगों का दिल जीत लिया है। 25 साल की मारिया खुद एक कैंसर सर्वाइवर है। उन्होंने मिवाश्क की मदद करते हुए लिखा कि मुझे ये फैसला करने में ज्यादा समय नहीं लगा, मुझे पता है कि ये सही है। अफगानिस्तान के हालातों का असर अब अमेरिका पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है।
रम्यूजन रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन की लोकप्रियता में पिछले साल से 7% तक की कमी आई है। कई लोगों का मानना है कि 7 महीने से राष्ट्रपति बने जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के हालातों को ठीक से नहीं संभाला, तो वहीं सर्वे में सामने आया है कि 43% लोग कमला हैरिस को राष्ट्रपति के तौर पर देखना चाहेंगे। यही नहीं, सर्वे के मुताबिक अगर अमेरिका में आज चुनाव हुआ तो जो बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हार सकते हैं। सर्वे के मुताबिक चुनाव होने पर ट्रंप 43% वोट हासिल करेंगे। 14% लोगों ने दूसरे उम्मीदवारों को चुना, जिसका खुलासा सर्वे में नहीं किया गया। नवंबर 2020 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन ने 51.3% वोट हासिल किए थे, ट्रंप को 46.8% वोट मिले थे। रेजम्यूजन के मुताबिक इस समय ट्रंप ज्यादा महिलाओं और अश्वेतों के वोट हासिल करेंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पूरी तरह आलोचनाओं से घिर चुके हैं। उनकी आलोचना न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर हो रही है।